हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम गणेश चतुर्थी स्पेशल सिर्फ 5 मिनट में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी बनाएंगे, वो भी घर के इंग्रेडिएंट से। और इस रेसिपी को बनाने के लिए ना हम घी, चीनी, चाशनी किसी का भी यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और पैन को हाई फ्लेम पे गरम होने देंगे। और आप देख सकते हैं पैन हमारा गरम हो गया है। हम इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे। ये पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर का है। पानी डाल करके हम पानी को भी अच्छे से गरम होने देंगे। और अब हम इसमें 100 ग्राम गुड़ डालेंगे। यहाँ मैंने गुड़ को अच्छे से कट कर लिया था और आप देख सकते हैं गुड़ हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। हम इसे पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इस तरीके से गुड़ को पानी में अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसे पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो पानी जल्दी सूख जाएगा और गुड़ हमारा जल सकता है। तो हम इसी तरीके से इसे मीडियम फ्लेम पे हल्के हाथों से चलाते हुए इसे पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे गुड़ जल्दी पानी में मिक्स हो जाएगा और ये जल्दी पक जाएगा। आप इस रेसिपी को मिश्री से भी बना सकते हैं या मिश्री की जगह आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे गुड़ से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और झटपट स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। और आप देख सकते हैं पानी हमारा अच्छी तरीके से सूख गया है और गुड़ हमारा अच्छी तरीके से पकना स्टार्ट हो गया है। इसमें काफ़ी सारे बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि पानी हमारा अच्छे से सूख गया है। स्पैचुला से कंटिन्यू इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे, जिससे गुड़ तले में जलेगा नहीं और इसमें बचा हुआ पानी भी अच्छे तरीके से सूख जाएगा और गुड़ भी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाएगा। और गैस का फ्लेम यहाँ मैंने स्लो कर दिया है और यहाँ मैंने एक फ्रेश नारियल को अच्छी तरीके से छील कर यहाँ मैंने इसे बिल्कुल पतले या बारीक ग्रेट कर लिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने नारियल को अच्छी तरीके से इसका छिलका निकाल लिया था और इस तरीके से बारीक ग्रेटर से यहाँ मैंने नारियल को कद्दूकस कर लिया है। और कद्दूकस किए नारियल को हम इस तरीके से गुड़ में डालेंगे। गुड़ में डाल करके अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से चलाते हुए गुड़ में मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हम नारियल को गुड़ में मिक्स कर लेंगे, जिससे नारियल हमारा अच्छी तरीके से गुड़ में मिक्स भी हो जाएगा और ये अच्छी तरीके से नारियल पकेगा भी। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, जिससे नारियल हमारे अच्छे से पकेंगे भी और ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे। यहाँ हमने घी का यूज़ नहीं किया है क्योंकि नारियल में ऑलरेडी अपना ऑयल होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकने दिया था और नारियल हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। और आप देख सकते हैं पानी भी काफ़ी अच्छे तरीके से नारियल ने छोड़ दिया था और वो भी सूख चुका है। और अब हम इस टाइम पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे पैन में ही अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे, जिससे ये और अच्छी तरीके से पैन का हीट में ही पक जाएगा। और आप देख सकते हैं नारियल हमारा अच्छी तरीके से पक गया है और इसका सारा मॉइस्चर सूख गया है। और अब हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। यहाँ मैंने थोड़े से किशमिश, काजू और आलमंड को अच्छी तरीके से कट कर लिया है और अब हम इसे डायरेक्ट नारियल में डालकर इसे अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इस टाइम पे इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है, ये और ज़्यादा थिक हो रहा है। हम इसे इसी तरीके से चला करके 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। और आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो गए हैं और मिक्सचर हमारा नारियल का बहुत ही अच्छे तरीके से गाढ़ा भी हो गया है और अब ठंडा भी हो गया है। और अब हम इसे हाथ से इजीली छू सकते हैं और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। और ये देखिए, इसके इजीली लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं। तो हम इस तरीके से ही नारियल के लड्डू बना लेंगे। और अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे, ड्राई फ्रूट डाल करके और अब हम इसे प्लेट में इस तरीके से रख लेंगे। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से नारियल के इस तरीके से गुड़ वाले लड्डू भी बना सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से मोदक स्टैंड ले
और मोदक मोल्ड में इस तरीके से पीछे से हम सारे स्टफिंग को फिल कर देंगे और अच्छे तरीके से आप इसे फिल कर दें। और अब हम इसे खोल करके इसके मोदक बना लेंगे। और अब आप देख सकते हैं हमारे नारियल के मोदक बनके तैयार हो गए हैं। और ये देखने में जितने ज़्यादा कलरफुल है खाने में उतने ही ज़्यादा ये टेस्टी होते हैं। तो आप भी इस तरीके से गणेश चतुर्थी पे बिल्कुल 10 मिनट में बहुत ही स्वादिष्ट नारियल के इस तरीके से बिना झंझट के मोदक या लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। और ये गणेश जी को भी बहुत पसंद आएगा। और सेम तरीके से आप मोदक या लड्डू जो इजी लगे आप इजीली बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नई रेसिपी में।